ताने सुना सुना के तो तन्ने माँ को मार दिया बापू, अब और किस किस नो मारेगा बापू। कान खोल के सुन ले छोरी। जिस घर में तेरी माँ की एक ना चाली, तेरी कहाँ से चालेगी? और जो जबान यहाँ निकले है ना, ससुराल ना निकाल दियो, नहीं तो जिंदा फूंक देंगे। सतर्क किल में आपका स्वागत है, मैं हूँ राजेश। अगर बात की जाए जम्मू में, तो जम्मू में टैलेंट की कमी ही नहीं है, क्योंकि बात की जाए जम्मू में चंद कुछ सालों की, तो हमारे जम्मू के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं अब जिन्होंने इतना नाम जो है जम्मू के बाहर जो है इंडिया में पूरा नाम कमाया, लेकिन उनको जो है अब अनदेखा किया जा रहा है। अगर मैं बात करूँ हमारे जम्मू की बेटियों की, तो जम्मू की बेटियाँ किसी से कम नहीं है। 2018 में जम्मू में धूम मचाने वाली, पूरे भारतवर्ष में जो नेशनल टीवी सोनी टीवी पे धूम मचाने वाली प्रियंका जी हमारे साथ हैं, हमसे बात करते हैं कि आखिर 2018 और 1920 के बाद इनको किस तरह का जम्मू में जो है प्रमोशन दिया जा रहा है। सबसे पहले प्रियंका जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। मुझे बताया कि आपने 2018 में सोनी टीवी में काफी धमाल मचाया था और जम्मू का नाम रोशन किया था, क्या उसके वहां तक पहुंचने के लिए आपको किस तरह का जो है वो सारा सफर जो है वो तय करना पड़ा? लाइक सबसे पहले तो मैं मतलब मेरी एक्टिंग की, जब मैं पैदा हुई थी ना तब भी, एंड उसके बाद जब मैं थोड़ी धीरे धीरे जब मैं बड़े होने लगी तब मुझ में ना थोड़ा ऐसे होता ना लाइक एक्टिंग ऐसे सडनली मतलब एक कीड़ा टाइप एक्टिंग का जागता है ना, जस्ट लाइक दैट। तो मेरा भाई है मीर गुजराल, एंड भाई मेरा थिएटर करता था, तो मुझे भी एक्टिंग की लाइन, मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आने लगा। तो भाई ने मम्मी पापा को कहा कि इसे भी आप थिएटर करवाओ, मेरे साथ भेजो। तो जो नटरंग में थिएटर ग्रुप है पद्मश्री बलवंत ठाकुर जी का, तो नटरंग है नाम उसका, तो वहाँ पर मैं और मेरा भाई हम दोनों जाते थे। वहाँ से ही मेरी एक्टिंग की जर्नी स्टार्ट हुई है। उसके बाद एक बार टीवी पर हेडलाइंस आ रही थी लाइक मतलब एक शो आने वाला है सबसे बड़ा कलाकार, उसकी ऑडिशंस हो रहे हैं, और सबसे पहली जो एक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ज़्यादातर कोई भी रियलिटी शो होता है जम्मू में उसके ऑडिशंस नहीं होते, और हमारे लिए भी तब वो एक बहुत ही ऐसी चीज़ थी लाइक जम्मू में नहीं हो रहे तो क्या करें। बट मेरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत सपोर्ट करते हैं मेरी फैमिली वाले, तो पापा वाज लाइक कि हम लोग नहीं चंडीगढ़ हो रहे हैं वहाँ जाकर दे देते हैं, बट क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट था इस लाइन में। तो फिर हम चंडीगढ़ गए, वहाँ जाकर मैंने ऑडिशन दिया, वहाँ पर थे 2 राउंड्स और दोनों के दोनों क्लियर हो गए। देन उसके बाद उन्होंने कहा आपको दिल्ली आना है, फिर हम दिल्ली गए, और दिल्ली में हमारा आई थिंक 1 राउंड था, और उसका रिजल्ट वहाँ पर सडनली नहीं आउट किया गया था, वो हमें घर आना था, उसके बाद उनका कुछ मैसेज आना था उनके ग्रुप के थ्रू, तो वहाँ से ही पता लगना था। तो फिर तब हमें पता लगा कि उसमें भी सिलेक्टेड हूँ मैं। फिर हमें मुंबई जाना था, फिर हम मुंबई गए, और वहाँ पर कंटेस्टेंट के साथ एक ही गार्डियन अलो था, और मतलब मेरे साथ मम्मा ही गए थे, ऐसे तो पापा भी गए थे हमें वहाँ पर छोड़ने के लिए, बट फिर वहाँ पर मेरे साथ मम्मा ही रहे थे, और बहुत सारे राउंड्स थे, एंड फाइनली आई वाज द फर्स्ट रनर अप ऑफ द शो। अगर मैं बात करूँ तो काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटी से आप मिले हो, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी देखना चाहते हैं कि थोड़ी सी एक्टिंग करके, जो आपने वहाँ पे इतनी बड़ी स्टेज पे जो जम्मू का नाम रोशन किया, तो हमारे चैनल पे भी छोटा सा भी क्लू। बेटा अर्शद, ओ बेटा बूमन, हुन ते जानिया मैनू, अरे मेरे चेहरे की परेशानी देखकर नहीं लगा तुम्हें कि मैं किसकी सास होंगी? वैसे मेरी बहू जो है ना वो भी फिल्मों में एक्टिंग करती है, लेकिन उससे ज्यादा एक्टिंग तो वो घर पर आकर करती है। घर पर आकर कहती है, माँ जी आज शूट करने में ना बहुत थकान हो गई। मैं क्या बहू, अगर तू कर तो मैं तेरा सर दबा दूं? फिर कहती, नहीं नहीं माँ जी, आप मेरा सर दबाते हुए अच्छी नहीं लगेगी, आप एक काम कीजिए आप मेरे पैर दबा दीजिए। ऐसी बहू है मेरी, उन शादी के 2 महीने बाद। मैंने कहा, बहू तो सबसे अच्छे से कौन सा काम कर लेती है? तो कहती, शॉपिंग। माँ जी मैं शॉपिंग बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। तो मैं क्या बहू है, जब भी तू शॉपिंग करने जाए ना मच्छर मारने की ना कुछ दवाई ले आना मार्केट से, क्या ना घर में बहुत मच्छर हो चुके हैं। तो कहती, माँ जी आप 2-3 ताने मार देना मच्छरों को, यूं ही मर जाएंगे ये कलाकारियां कूट कूट के भरी है मेरी बहू में। थैंक यू।
क्या बात है। तो हमारे जितने भी व्यूज देख रहे हैं तो इसको सपोर्ट जरूर कीजिए इस बेटी को, क्योंकि ये काफी नाम इन्होंने जो है वो पूरे भारतवर्ष में कमाया, हमारे जम्मू का नाम भी रोशन। लेकिन अगर बात करें 2018 में भी आपने काफी अच्छा किरदार, 2019 में IPL में भी आपने अच्छा किरदार निभाया, किस किस सेलिब्रिटी से आज तक आप मिल चुके हैं? मोस्टली सबसे ही मिल चुकी हूँ, सबसे ही वैसे मिल चुकी हूँ। सबसे ज्यादा प्यार जो है वो किसने दिया? क्योंकि जैसे कि जिन लोगों ने भी मुझे सबसे बड़ा कलाकार में देखा है, जो देखते थे वो शो, उनको पता ही होगा कि बम्मन सर के साथ मैं बहुत अटैच थी, मतलब बहुत ही ज्यादा। वो मुझे हर एपिसोड में आई लव यू कहते थे और उनके साथ मैं सच में बहुत अटैच थी। और लास्ट में जब हमारा फाइनल राउंड था, जब मतलब शो खत्म हो गया था, तब उन्होंने मुझे और मेरी फैमिली को लंच पर भी इनवाइट किया था, मुंबई का है कोई होटल वहाँ पर। और यस, उनके साथ में बहुत ही ज़्यादा अटैच थी एंड अभी भी होती है मेरी कभी कभी उनसे बात, बट होती है, उनके साथ मैं बहुत ही अटैच। अगर बात की जाए तो सलमान खान से हर कोई मिलना चाहता है, क्योंकि हर कोई की ख्वाहिश रहती है कि हम सलमान खान से मिले, इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं। लेकिन आपके साथ तो मैंने उनके फोटोज वगैरह भी देखे, तो आप जब आप मिले फर्स्ट टाइम तो किस तरह का इंप्रेशन रहा आपका? जैसे आपने कहा कि सबका एक ड्रीम होता है, जैसे सलमान खान सर को मिला, सलमान खान सर क्या सभी को मिलना, क्योंकि हमारे लिए जो सेलिब्रिटीज है ना, हमें लगता है कि उनकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है, वो बिल्कुल की मतलब कि इन्हें जिसने मिल लिया उसको सब कुछ ना प्राप्त हो गया, तो ऐसा होता है फर्स्ट टाइम। तो सलमान खान सर के साथ भी जब मैं मिली थी, सबसे बड़े कलाकार में थी तब मैं, और उनकी एक फिल्म आ रही थी ट्यूबलाइट, तो वहां पर एक शो था सुपर नाइट विद ट्यूबलाइट, और सबसे बड़ा कलाकार के कुछ 5-6 कंटेस्टेंट हम लोग गए थे उनका इंटरव्यू लेने के लिए, बीइंग अ जर्नलिस्ट। तो वहां पर उनके साथ मतलब उनके साथ जब हमने बातचीत की, बहुत सब लोगों ने देखा होगा, तो जब उनके साथ बातचीत की तो वो एक अलग ही डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस था, तो बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद जब मैं 2019 में IPL में गई, तो तब भी सलमान खान सर और कैटरीना कैफ मैम भी आए हुए थे अपनी भारत फिल्म की प्रमोशन के लिए, और तब भी लाइक मुझे अभी भी याद है सलमान सर जस्ट लाइक यहाँ पर मेरे साथ बैठे थे एंड आई वाज लाइक सर आपने मुझे पहचाना, पहले भी मिले थे ट्यूबलाइट, एंड ही सेड कि मतलब मैं भूल कैसे सकता हूँ आपको, तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। एंड दैट टाइम आई वाज लाइक कि बहुत कुछ ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनसे मिलके। क्या बात है। तो सबसे पहले एक मेरा सवाल उठेगा, आप एक्टिंग के साथ और क्या क्या करते हो, क्योंकि जिस तरह से स्टडी, ये कब पूरा ये टाइम पीरियड ये किस तरह से मैनेज करते हो? एक्टिंग के साथ साथ मैनेज, क्योंकि मम्मा पापा ने मुझसे मेरे भाई से एक प्रॉमिस लिया हुआ है कि अगर लाइक अगर मुझे जैसे एक्टिंग की फील्ड में जाना है ना, तो मुझे स्टडी को भी साथ ही मैनेज करना होगा, दोनों को बिल्कुल बराबर रखना होगा, स्टडी फर्स्ट एंड द सेकेंड इज एक्टिंग। ऐसे ही होता है, जब मैं मुंबई जाती हूँ तो मेरा स्कूल भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरा स्कूल है शांति सदरुप मेमोरियल जम्मू पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ के मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी मुझे सपोर्ट करते हैं, और जो प्रिंसिपल मैम है मिस कुसुम भाटिया मैम, मतलब सब लोग मुझे, बाकी जितने स्टाफ मेम्बर्स हैं सब लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और आई थिंक कि उनकी सपोर्ट की वजह से ही आज मैं यहाँ तक हूँ। नटरंग की हमारी टीम की सपोर्ट की वजह से, फैमिली सपोर्ट, स्कूल की सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जब मैं जाऊँ वहाँ पर तो मेरी जो नोटबुक्स थी सारा वर्क जितना होता था नोट डाउन हुआ होता था, मेरे फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया है एंड स्कूल वालों ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो अभी जिस तरह से आप 2019 के बाद कोविड आ गया, 2021 चल रहा है, अब क्या क्या उसके बाद आपका क्या प्लान है कि आप आगे क्या क्या करोगे? अभी तो लाइक फिलहाल यही है कि अभी बस अभी तो थर्ड वेव भी एज आप सबको पता आने वाली है, तो अभी बस यही है, क्योंकि जब भी मेरा कुछ होता है मुंबई जाने का तब कोविड बहुत ज्यादा इंक्रीज, केसेस इंक्रीज होने लगते हैं। कोविड शायद आप पे जो है आपके साथ भारी बढ़ रहा है। यस, तो ऐसा ही हो रहा है, तो बस यही आफ्टर कोविड फटाफट से जाए यहाँ से, और फिर उसके बाद बैक टू बैक जो भी मेरे जो भी शूट्स हैं, वैसे तो बहुत सारे आते हैं, बट यही है कि मुंबई अभी रहने का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी थोड़ा सा होता है इशू होता है, तो वहाँ पर भी रहने का भी स्कोप नहीं है, बट यस जल्दी कुछ ना कुछ सोचते हैं। अभिनंदा जी, जाते जाते एक छोटा सा क्लियो हमारे व्यूज जानना चाहेंगे, कोई इमोशनल जो व्यू होगा वो थोड़ा सा, क्या जिस तरह से आपने वहाँ किरदार निभाया, तो लोगों ने टीवी पे तो जरूर देखा होगा, लेकिन यहाँ के जम्मू के लोग भी हम भी आपको पास से करीब से देखना चाहते हैं, किस तरह से आप करते थे वहाँ? इमोशनल एक्ट, ओके। ये बेसिकली बेस्ड है एक डॉक्टर के ऊपर, जो कि भी पैदा भी नहीं हुई है, फिर भी मतलब जो होते हैं ना
बहुत सब लोग मतलब किसी किसी की थिंकिंग वैसे होती है, अभी मोस्टली थिंकिंग चेंज हो गई है लोगों की, तो ये उस पर बेस्ड है कि उसके जो पापा हैं वो नहीं चाहते कि वो इस दुनिया में आए, तो उसी का। माँ मैंने ऐसा कब चाहा था, माँ मैंने ऐसा कब चाहा था, पापा की बातें उफ, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि वो मेरी मौत चाहते हैं और मैं जिंदगी की अभिलाषा में जी रही हूँ। माँ क्या मेरी अभिलाषा अभिलाषा ही रह जाएगी, छीन ली जाएगी मुझसे मेरी जिंदगी जिस पर मेरा नैसर्गिक अधिकार है। माँ पापा क्यों मेरी मौत चाहते हैं, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, मैं तो चुपचाप इस घुप अंधेरे में धीरे धीरे अपना रूप ले रही हूँ और साथ ही सपने देख रही हूँ। क्या ऐसी जिंदगी होगी मेरी जिसमें रोशनी में सात रंग होंगे, हवा में संगीत होगा, स्पर्श में तुम्हारे स्नेह की खुशबू, गोद में ममता का सागर। माँ क्या ऐसी जिंदगी मिलेगी मुझे, माँ बोलो ना क्या ऐसी जिंदगी मिलेगी मुझे। थैंक यू। क्या बात है, तो ये तेरे और ज्यादा ज्यादा जम्मू वासियों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? जम्मू वासियों के लिए यही मैसेज रहेगा, अभी तो फिलहाल जैसे भी सबको पता है थर्ड वेव आ रही है कोविड की, बस अपने आप को प्रोटेक्ट करो ये सबसे, और जैसे आप लोग मुझे सपोर्ट करते आ रहे हो अभी तक वैसे ही सपोर्ट करते रहो, और मतलब आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही आज मैं जिस मुकाम पर हूँ बस आप लोगों की सपोर्ट है, और बस थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ वृंदा गुजराल, जिन्होंने 2018 में अपना सफर जो था वो शुरू किया था, उस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने ऐसे ऐसे किरदार जो थे वो निभाए थे क्योंकि लोगों को भी जागरूक किया था साथ साथ, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीजों के साथ इन्होंने किरदार जो है वो निभाया और उनके साथ बैठ के किया है, तो काफी प्राउड फील होता है हमें भी जब जम्मू की बेटी इस तरह के बाहरी धरती पे जाके परफॉर्म करती है, तो हमें भी काफी अच्छा लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात की हमें सपोर्ट की जरूरत है, हम चाहते हैं हमारा चैनल के माध्यम से हम भी, हमारा प्रयास इसलिए है इन बेटियों को यहाँ पे लाने का क्योंकि अगर हम सपोर्ट करेंगे तो आप लोग भी इनकी सपोर्ट कीजिए ताकि ये इससे भी बढ़ के और जो है यहाँ का परफॉर्म करे तो जम्मू का नाम रोशन, जितना जम्मू का नाम रोशन होगा हमें भी काफी खुशी होगी। तो दीजिए हमें इजाजत, सत्यल के को दीजिए इजाजत, इस तरह की और भी अपडेट लेके हम आपके सामने हाजिर होंगे। जय हिंद जय भारत।